हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। आरपीएससी के द्वारा दो रिजल्ट जारी किए गए हैं, एक तो ज्योग्राफी का, एक होम साइंस का। तो यदि आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, होम साइंस का दिया है, तो फटाफट से जो है वो अपना रोल नंबर यहाँ पर देखें। जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है इस एग्जाम को, तो उनके रोल नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, दो गुना बच्चों को लिया गया है। और अब आप लोग जो है वो अपने कागजों को जो है तैयार करने में लग जाएं। यहाँ पर रोल नंबर जो है वो फटाफट से देखें। यदि आपको थोड़ा सा जल्दी लगे तो आप वीडियो को जो है वो पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में जो है वो बहुत सारे बच्चों के रोल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी हम देखेंगे कि कितने कैंडिडेट को जो है यहाँ पर पास किया गया है। तो बहुत बहुत बधाई उन बच्चों के लिए जिनका रोल नंबर जो है यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी मेहनत करने के बाद जो है रोल नंबर नजर आता है। ठीक है, कई बच्चे जो है चार चार या पांच पांच साल तक जो है मेहनत करते हैं, तब जाके उनको ये मौका मिलता है कि उनका रोल नंबर जो है यहाँ नजर आए। ठीक है, इस रोल नंबर को देखने के लिए जो है उनकी आंखें तरस जाती हैं, क्योंकि देखिए जो मेहनत करता है सफलता उसको जरूर मिलती है। थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन जरूर मिलती है। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट को जो है वो पास किया गया है, यहाँ पर देख सकते हो। और यदि आपको यहाँ पर सही से नजर नहीं आए तो आप लोग आरपीएससी की जो साइट है वहां पर जाकर देखिएगा, rpsc.rajasthan.government.in। ठीक है, ये जो साइट है इस पर आप जाएंगे तो आपको जो है आराम से जो है दिखाई दे जाएगा रोल नंबर, और नहीं तो आप जो है वीडियो को पॉज करके आराम से जो है वो अपना रोल नंबर देख सकते हैं। अभी हम ज्योग्राफी के बाद जो है होम साइंस का भी रिजल्ट देखने वाले हैं कि कितने कैंडिडेट जो है उनको पास किया गया है। अब धीरे धीरे करके देखिए, सभी के रिजल्ट आ रहे हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो मैं वही बनाती हूँ जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1622 बच्चे जो हैं इनको पास किया गया है। ठीक है, तो काफी बच्चों को पास कर दिया है आरपीएससी के द्वारा, दो गुना बच्चों को बुला लिया है। और अब जो है वो आप अपने लोग जो हैं क्या करेंगे, आप सभी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। कट ऑफ देख लीजिए, जनरल की जो है वो 278.71 गई है, वहीं पर जो है जनरल में विडो की 195.32, डिवोर्सी की 217.62, ईडब्ल्यूएस की देख लीजिए जनरल में 235.86, वुमेन की भी इतनी ही गई है। ठीक है, एससी की देखिए यहाँ पर 223.89 गई है, वहीं पर कैटेगरी वाइज जो है वो छूट भी मिली है। वहीं एसटी की देखिए, ओबीसी की देख सकते हैं और एमबीसी की देख सकते हैं। जहां तक हम देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वह ओबीसी से भी कम जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 6 बच्चों का परिणाम जो है वो रोक दिया गया है किसी कारणवश, हो सकता है नकल करते हुए पाए गए हैं या और भी कोई जो है वजह हो सकती है। अब हम दूसरा रिजल्ट की तरफ चलेंगे, और वो रिजल्ट किसका है, होम साइंस का। होम साइंस में देखिए कितने बच्चों का रोल नंबर है, 33 बच्चों का रोल नंबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिन्होंने होम साइंस में एग्जाम दिया है तो वो अपना रोल नंबर अच्छे से देखें। कट ऑफ देख लीजिए, यहाँ पर कट ऑफ जो है वो काफी गई है, जनरल की 256.92 गई है, ईडब्ल्यूएस की देखिए, ईडब्ल्यूएस की जो है काफी अंतर आ गया है, 194.34। ठीक है, एससी की 186.86 गई है, एसटी की 210.59 गई है, ओबीसी की 240.60 और एमबीसी की 225.63 गई है। ठीक है, तो ये जो है कट ऑफ है किसकी, होम साइंस की। तो देखिए बहुत एक एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है एग्जाम में, पॉइंटों में जब जो है वो कट ऑफ आती है। तो कई बच्चे जो हैं जिनका 256.93 होगा, कई बच्चे होंगे जिनका 256.90 होगा, तो इतना अंतर आ जाता है। ठीक है, और कहीं पर जो है वो एक क्वेश्चन जो है वह बच्चों को जो है पास भी करा देता है और फेल भी करा देता है। तो इस तरीके से जो है ज्योग्राफी और होम साइंस का रिजल्ट आया, वैसे ही जो है बाकी सब्जेक्ट का आ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।